याकूब की बातों का खुलासा यह है कि हम अपने खुदाओं को छोड़कर इसके खुदा की इबादत करें। क्यों, सही गाना? भला हमारे खुदाओं से हमें क्या मिल गया जो तुम्हारा खुदा देगा? मैं तुम लोगों को खुदा यकता की परस्तिश की दावत दे रहा हूँ। कायनात की हर शय से बाला। हम क्या जाने कि तुम्हारा खुदा बाकी दीगर खुदाओं से बेहतर और बढ़तर है? क्या मालूम कि तुम और तुम्हारा खुदा माबदे इश्तार के काहिनों की तरह सेम उधर जमा करने और अपने मुनाफे के उसूल की फिक्र में नहीं हो? सब जानते हैं कि मैं लाबान का गल्ला चराता हूँ और मेरे पास अपना साथ ही कुछ नहीं है। क्या मैंने अब तक आप लोगों से उजरत तलब की है? क्या अब तक सिवाय मेहनत और मशक्कत के कुछ और करते देखा है? अगर बाद में उजरत तलब कर ली तो? अब तक तुम्हारे पास ताकत नहीं थी, वरना तुम भी काहिनों से कुछ कम नहीं होते। तुम सब एक जैसे हो, सिर्फ अपने मफादात की फिक्र में रहते हो और अपने पेटों को भरने और खजानों के अंबार जमा करने में लगे रहते हो। तुम हक बजानिब हो। तुमने अपना अकलौता बीमार बेटा खोया है और किसी ने भी तुम्हारी मदद नहीं की, ना ही ईस्टर जादूगरनी ने और ना ही माबुद के खुदा इश्तार ने। अगर तमाम खुदाओं से भी मुंह मोड़ लो तब भी हक बजानिब हो। मुझे माबुद के आजिज खुदा इश्तार से कोई सरोकार नहीं। मैं तुम्हारे नादीदा खुदा के बारे में बात कर रहा हूँ। हमने इन बेजान पत्थरों के खुदाओं से क्या कुछ नहीं सहा, अब किसी और खुदा के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। माबुद के काहिन आ गए। यहाँ से जल्दी निकलो। भाग जाओ फारिस, भाग जाओ। उस तरफ। इसे छोड़ दो। जाओ। इसने किया क्या? जाओ। इसे छोड़ दो। जाओ उसे पकड़ो। भागने ना पाए। जाओ। अगर हाकिम लाबान के दामाद ना होते तो तुम्हारे साथ वो करता के। मुझे तुमसे और काहिनों से कोई खौफ नहीं। जाओ यहां से और मजीद याकूब की कुफर आमेज बातों पर कान मत धरो। क्या दिखाई नहीं दे रहा कि याकूब की कुफर आमेज बातों की वजह से फदान को कहत का सामना है? चलो चलो यहाँ से चलो, गजब नाजिल हो जाए। चलो 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 यहाँ से जल्दी चले। चलो यहाँ से जल्दी करो। आ जाओ तुम भी। तुम भी यहाँ से चलो। अगर जल्द बारिश नहीं बरसी तो फद्दान के लोगों की तमाम फसलें तबाह हो जाएंगी। उम्मीद है कि खुदा जल्द से जल्द इस शहर पर बारान रहमत नाजिल करेगा। बाबा ये क्या हो रहा है? ये इन लोगों की पुरानी रस्म है। ईस्टार के दुश्मनों को नजरे आतिश किया जाता है, मंजनीक के जरिए आग में जलाना।